यहाँ हम जानेंगे क्या है रियल साइबर सिक्योरिटी और कैसे करते हैं साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बड़े बड़े केसेस को सॉल्व। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग में। और आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ साइबर सिक्योरिटी से जुड़े एक बहुत ही बड़े अटैक के बारे में, जिससे कि पूरे देश पर कंट्रोल बनाया जा सकता है। बिल्कुल दोस्तों, आपने ये सही सुना है कि क्या ये पॉसिबल है कि पूरे देश पर कंट्रोल बनाया जा सके। अब तक हम जो चीजें सुनते आए हैं वो किसी भी पर्टिकुलर व्यक्ति से जुड़ी हुई हैं कि किसी भी व्यक्ति पे कंट्रोल बनाया जा सकता है या उसके फोन पे कंट्रोल बनाया जा सकता है या नहीं बनाया जा सकता या किसी वेबसाइट पे कंट्रोल बनाने की बात है। लेकिन अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है पूरे देश पे कंट्रोल बनाने वाली चीज। तो अपने आप में ये काफी यूनिक है और इस चीज के बारे में आप लोगों को जरूर पता होना चाहिए। अपनी तरह का पहला ये वीडियो है तो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो को शुरू से अंत तक आप पूरा देखें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि वास्तव में ये क्या है। तो ये जो आइडिया था, आई वॉज वॉचिंग अ मूवी, मैं एक मूवी देख रहा था जिसका नाम है डाई हार्ड 4.0 और इस मूवी की रिक्वेस्ट काफी लंबे टाइम से आ रही थी। हालांकि इसमें है कि काफी अलग अलग टेक्निक्स का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन जो मेन टेक्निक थी वो मुझे काफी इंपोर्टेंट लगी। बाकी टेक्निक्स का भी वीडियो मैं बनाऊंगा, अगर आप लोगों की इच्छा रही तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। तो उस मूवी में क्या होता है कि जो हैकर्स होते हैं वो पूरी कंट्री को ही कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मिस्टर रोबोट सीरीज में आप लोगों ने देखा होगा, उनका मेन टारगेट होता है कि पूरे ही एरिया को कैप्चर किया जाए, पूरी तरह से फाइनेंशियली डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। जहां उसका जो मेन मोटिव था कि फाइनेंशियल आजादी हमें मिले, ये उसका मेन मोटिव था। ऐसे डाई हार्ड 4.0 में भी ऐसा ही कुछ करने की कोशिश की गई है। तो मैं आपको बताता हूँ कि वो वास्तव में कौन सा अटैक है। तो गाइस, उस अटैक का नाम है फायर सेल अटैक। तो अब आप ये कहेंगे ये क्या है, ये फर्स्ट टाइम आप लोग, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इसे पहली बार सुन रहे होंगे, कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने मूवी देखी होगी तो कुछ आइडिया लग गया होगा इस चीज के बारे में। तो गाइस, फायर सेल अटैक वास्तव में होता क्या है, इसमें ना पूरे कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर को अपना टारगेट बनाया जाता है, पूरे देश को। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना खतरनाक होगा। तीन स्टेजेस में ये काम करता है। स्टेज नंबर वन में क्या होता है, इसका मेन जो मोटिव होता है वो होता है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स को लेकर, जिसमें आपका ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, जैसे कि आपका रेलवेज हो गया, या फिर रेलवेज के अलावा बात होती है बसेस हो गई, एयरपोर्ट्स हो गए, या वो सारे मीडियम्स जिनसे कि ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, ठीक है, तो उन चीजों को टारगेट बनाया जाता है। दूसरी स्टेज में ये फाइनेंशियल सेक्टर जो होता है उसे अपना टारगेट बनाते हैं। फाइनेंशियल सेक्टर में आपका आ जाता है बैंकिंग्स, बैंक, फाइनेंशियल बड़ी बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो, या फिर आपका स्टॉक एक्सचेंज है वो, इस तरह की चीजें सेकंड स्टेज में। और थर्ड जो इसकी स्टेज होती है उसमें आ जाता है आपका पब्लिक यूटिलिटीज। तो पब्लिक यूटिलिटीज में क्या होता है, जैसे कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी हो गई, गैस हो गई, गैस की आजकल आप लोगों ने देखा होगा पाइपलाइनिंग के जरिए ये सारा वर्क हो रहा है, वाटर सप्लाई हो गई, तो मतलब पब्लिक की यूजेबल वाली जो चीजें हैं, टेलीकम्युनिकेशन हो गया, वो सारी चीजें। तो इन तीन स्टेजेस को मिलाकर ये जो अटैक है ये काम करता है। इसमें बहुत अलग अलग तरह की टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि कुल मिला के सारी टेक्निक्स का इसमें आप कह सकते हैं, जिसमें आपकी सोशल इंजीनियरिंग भी आ जाता है, डीडॉस भी आ जाता है, वायरस, रैंसमवेयर, मैलवेयर, सारी चीजों का आप कह सकते हैं कि इस्तेमाल किया जाता है। बट ये इतने बड़े लेवल पर कैसे काम करता है, उसका सबसे बड़ा रीजन गाइज ये है कि ये एक पर्टिकुलर फिक्स डेट और टाइम पे ही किया जाता है। क्योंकि इससे पहले जो ये जो टीम मेंबर्स होते हैं, इस तरह की जो लोग प्लानिंग्स करते हैं, वो क्या करते हैं कि पहले ही अपना जो डेटा है वो तैयार करके रखते हैं। जहां पे उन्हें रैंसम भेजना है, रैंसम भेज दिया उन्होंने, या फिर कोई रूटकिट भेजना है या बैकडोर भेजना है, उस तरह की चीजें ये पहले भेज देते हैं वहां पे, और एक फिक्स टाइम, डेट और टाइम पे ही ये इस तरह के काम को अंजाम देते हैं, ताकि इससे एक बहुत बड़े लेवल पर नुकसान किया जा सके। तो बड़ी बात अब ये आती है कि क्या वास्तव में ऐसा पहले कभी कहीं हुआ है। ये तो मूवी का एक एग्जांपल हो गया कि भाई मूवी में ऐसा हुआ था, तो रियलिटी में कभी कहीं ऐसा हुआ है। तो गाइस, रियलिटी में भी ऐसा हुआ है। यूक्रेन के इलेक्शन 2015 में जो हुए थे, वहां पे भी एक बहुत बड़े लेवल पर नुकसान पहुंचाया गया, जिसको अंजाम दिया था ब्लैक एनर्जी ट्रोजन्स जो ऑर्गेनाइजेशन थी उसने। और अभी भी मैं कहूं तो इस तरह के जो अटैक्स हैं लगातार चल रहे हैं, जैसे कि अभी आप हाल ही में कहेंगे सोलर विंड्स करके एक अटैक आया है, वो भी कहीं ना कहीं इस तरह की ही एक प्लानिंग हो सकती है। बाकी सोलर विंड्स के बारे में उसके पीछे की जो एग्जैक्ट रियलिटी थी कि किस तरह से वो हुआ और क्या उसकी उसके पीछे कौन से जो मेथड्स थे वो इंक्लूडेड थे, अगर आप उसका वीडियो चाहते हैं तो मुझे उनके लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उसका भी मैं एक वीडियो बना दूंगा। तो ये था हमारा आज का इंटरेस्टिंग टॉपिक। होप सो आपको पसंद आया होगा कि फायर सेल अटैक क्या है। तो अगर आप चाहते हैं फ्यूचर में इस तरह की वीडियोस आप लोगों को मिलती रहे, तो उसके लिए देखते रहिए यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग एंड सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।